मतलब इतना तेज प्रेशर है कि मुझे अपना हाथ पीछे करना पड़ रहा है, लाइक मैं AK-47 पूरी चला रहा हूँ। देखो ऐसे मैं इसे एक पॉइंट कर दूंगा, ये देखो छेद हो गया पूरा यहाँ पे। ये मशीन गन पूरी गाड़ी में छेद कर देगी अगर आपने पूरे प्रेशर से मार दिया ना एक बार भर के। जैसे ही मैं गन पॉइंट करता हूँ ये आप यहाँ देखो प्रेशर, ये कितने बार्स का प्रेशर। अगर बकेट में थोड़ा बहुत डस्ट भी है ना तो फिल्टर अंदर नहीं आने दे रहा। यहाँ से अपनी फायर करते हैं। सो हेलो जी, की हाल चाल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी आपको शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ बिल्कुल ये प्रोडक्ट शेयर किया जाए, आपको बताया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप कार ओनर हो और आप अपनी गाड़ी को गंदा नहीं रखना चाहते या फिर आपके पास बाइक भी है, स्कूटी भी है, तो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, वो है एगरो का हाई प्रेशर कार वॉशर। मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसके कि ये आपके घर की क्लीनिंग भी कर देगा, गाड़ी और बाइक सबकी क्लीन कर देगा, लेकिन आज हम इसे यूज़ करेंगे कार के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा सेटअप रखा है, क्या इसके साथ मिलता है और ये कितना यूज़फुल है। 1800 वाट की मोटर है जो कि काफ़ी पावरफुल मोटर है, और दूसरा 120 बार्स ये हाई प्रेशर जनरेट करता है। 120 बार्स बहुत ज़्यादा होता है और आज हम वही करके दिखाएंगे। क्योंकि गाड़ी जो गंदी हो जाती है ना, तो मेनली हम जब नॉर्मल अपने घर में जैसे वॉश करते हैं, नॉर्मल पाइप से वॉश करते हैं, तो प्रेशर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से गाड़ी साफ भी नहीं हो पाती है। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास जिसकी वजह से अगर आप ये यूज़ करोगे तो आई गारंटीड यू कि यार आप बहुत खुश होने वाले हो। होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हो पूरी मिट्टी लग रही है, ये हमारे नॉर्मल उससे नहीं छूटती। यहाँ पर ये जितनी भी डस्ट जमी हुई है ये देख लो, ये हम अगर बिना प्रेशर के नहीं मारेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं जाएगी। और आप गाड़ी की हालत देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। तो उसी के साथ ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है, पूरा दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इसे लगाएंगे, क्या क्या एसेसरीज मिलेगी इसके साथ, लेकिन ये चीज़ें भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इसको चलाने के लिए आपको कुछ नहीं, पावर सोर्स की जरूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एक बकेट, या फिर आपके पास अगर पानी का कुछ कनेक्शन का है तो आप वहाँ से धो सकते हो। अगर वो नहीं है, आप सोच रहे हो अगर पाइप इतना दूर से लाना पड़ेगा, तो उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि आप बकेट से भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हर एक चीज़ दिखाते हैं कि कैसे ये हमारा एग्रो का हाई प्रेशर वॉशर काम करता है। तो सबसे पहले हमें जो यूनिट के अंदर मिलती है वो मिलती है हमें ये एग्रो की मोटर, जो कि 1800 वाट की है, पूरी काफ़ी पावरफुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटर है। और यहाँ पर ऊपर एक मीटर लगा हुआ है इसका, जो कि बार्स पे पूरा जनरेट करता है 120 बार्स, जो इसका मैक्सिमम पूरी पावर है वॉशर की, ये पूरी देगा 120 बार्स के उस पर। और उसके साथ हमें ये इनलेट पाइप मिलता है 3 मीटर का, ये हमारा इनलेट पाइप है, ये मैं दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करेंगे हम इसे। और ये हमारा आउटलेट पाइप है 8 मीटर का, आउटलेट हॉस पाइप कहते हैं इसे, ये 8 मीटर का है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइप है ये। इसकी मदद से हम पूरी गाड़ी को वॉश करेंगे इसके थ्रू ही। और दूसरा ये चीज़ जो है ये अलग से आपको परचेज करनी पड़ेगी, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वॉश प्लस वैक्स कार शैम्पू है जिससे गाड़ी पे शाइन आ जाएगी, क्योंकि अगर नॉर्मल चीज़ों से यूज़ करोगे तो नहीं आएगी वो बात। तो ये ऐसा ही बहुत सारे हैं मार्केट में, आप देख सकते हो कोई सा भी जो आपको पसंद आए। लेकिन जो यूनिट के अंदर आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है गन एक्सटेंशन रोड, रॉड के थ्रू आप पाइप को और लंबा कर सकते हो, ये भी दिखाएंगे कैसे यूज़ होती है। और मेनली थिंग है हमारी ये गन, ठीक है, जिससे हम शूट कर सकते हैं आपको। ये हाई प्रेशर गन है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसी के थ्रू ही हम अपनी गाड़ी साफ करेंगे। उसके साथ ये कुछ 3-4 एसेसरीज आती हैं, जैसे कि ये हो गया बकेट फिल्टर, ना बकेट से फिल्टर होकर आएगा पानी इसके मदद से, ये कनेक्टर्स हैं और ये टैप कनेक्टर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हम कनेक्ट करेंगे। साथ में ये हमें मिलता है पूरा फॉर्म वॉश का, ये जिसके अंदर हम इसमें लिक्विड फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे, और इसके थ्रू जब हम अपनी गाड़ी एक बार वॉश कर लेंगे तो उसके बाद हम ये लगाएंगे। तो हमें कोई हाथ से शैम्पू वैम्पू मारने की जरूरत नहीं है गाड़ी के ऊपर, यूजुअली जो हम करते हैं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसका वेट है, टोटल इसका वेट है अप्रॉक्सीमेटली 9 kg। मेक श्योर कि इस पर पानी ना जाए, इस मोटर पर थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि इसका वायर देखो मैं आपको दिखा दूँ, तो ये पूरा देखो इतना लंबा वायर, घर में जो मोटर होती है जो पानी खींचती है, सेम ही उसी का काम करेगी, क्योंकि इसकी मदद से ही हमें बर्ड्स के जरिए पूरा पानी वहाँ पर मिलेगा। यहाँ सर आपको जस्ट इसे ऐसे अंदर पुश करना है, ये पुश हो गया, और आपको इसे यहाँ से ऐसे टाइट कर देना है। गन एक्सटेंशन रॉड, ठीक है, यहाँ से आप ये देख रहे हो ये ब्लेड्स वगैरह हैं, इसकी मदद से पूरा टर्न होगा, पूरा घूमेगा ये, बस आपने इसको ऐसे करना है और यहाँ से ये पूरा टाइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल से आप इसे 2 मिनट के अंदर वो पूरा कनेक्ट कर सकते हो। हाउ टू इंस्टॉल, तो आपके पास सारे इंस्ट्रक्शन है, वैसे ये वीडियो की मदद से भी आप सब कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वैसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सब है। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप कहीं भी गाड़ी धो रहे हैं, रिवर्स साइड भी धो रहे हैं, तो भी अच्छा है कि ये जो है ये बकेट फिल्टर कहते हैं हम इसे, इस फिल्टर की मदद से आपकी जो मोटर में ना बिल्कुल भी कचरा नहीं आनेगा। इस बकेट में डाल देना है ऐसे, ये पूरा फ्लो करेगा, 6.5 लीटर का मिनिमम फ्लो है। इसे मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूँ, लेकिन हाँ चलाने से पहले इसे ऑन जरूर कर लें, सो दैट जो इसकी एयर होगी ना वो यहाँ से निकल जाएगी। आपको बार बार आके बंद करना होगा अपना टैप या सब कुछ, या फिर आपको मोटर बंद करनी होगी। आपके जो गन है, गन के थ्रू ही आप बंद कर सकते हो, ये आप स्विच पूरा ऑन रख सकते हो ऑल द टाइम, जब तक आप पूरी गाड़ी धो रहे हो। ये तब यूज़ आता है जब आपके पास कोई वाटर टैप हो अच्छे पाइप लगा के, ये आप तब कनेक्ट कर सकते हो। किट यूज़ कर रहे हैं इसमें तो इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है एज सच, अगर आप लोग टैप से करते हो तो ये यूज़ कर सकते हो आराम से। ये जो आप टाइट करोगे ना, इसकी मदद से आपका पाइप जो है वो नीचे नहीं आएगा, सबसे अच्छी बात है। सिंपल है इसको प्लग इन करने का, ये आपने पुश किया अंदर, पुश करने के बाद आप इसे यहाँ से टाइट कर दो। वन साइड टैप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, अब
बारी आती है हमारी दूसरी साइड की। इसके लिए हमारे पास ये कनेक्टर है, इसको हमने जस्ट ऐसे रोल अप किया और यहाँ से सिंपली ये कनेक्ट हो गया। तो हमारा जो इनलेट पाइप है ये हम दूसरी साइड से यहाँ से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो आप टूल देख रहे हो इसको आपने सिंपली यहाँ से खोलना है और आप चाहो तो इसे ऐसे अंदर लगा दो और यहाँ से आप अपना ये जो पाइप है फ्लश करके अंदर को और आप यहाँ से ये कनेक्ट कर सकते हो, कर दो। सो डैट आपका पाइप यहाँ से भी कहीं नहीं जाने वाला, दोनों साइड प्रोटेक्शन है। और आपने जैसे पीछे पुल किया और आपने इसे यहाँ पर ये प्लेस कर दिया। अब प्लेस तो कर दिया, इसको टाइट भी करना है, अदरवाइज़ यहाँ से पानी लीक होगा। ये टाइट हो गया पूरा, ठीक है। अगर आप यहाँ से टाइट नहीं करोगे तो ये यहाँ से पानी लीकेज होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है मस्त। बस आपको ये दो कनेक्ट करना है और आपका रेडी टू गो। अब बारी है वॉश करने की। दो दो फीचर हैं, एक तो ये बकेट फिल्टर इस पर आपको देखने को मिल जाता है और दूसरा ही यहाँ पर हमें इनलेट फिल्टर भी देखने को मिलेगा। हमें क्या करना है, अपनी मोटर को यहाँ से ऑन कर देना है, एयर रिलीज करनी है। ये जो हमारी गन है, सबसे अच्छा इसका पॉइंट ये है, हमें वहाँ से बार बार वहाँ नहीं जाना, हमें बटन बंद करने के लिए हमें सिर्फ ये दबाना है और ये थोड़ी सी एयर रिलीज होगी पहले, उसके बाद ये पूरा प्रेशर बनेगा पूरे पाइप में और पानी यहाँ पर आ जाएगा। ओ माय गॉड, प्रेशर देख रहे हो आप, ये मतलब इतना तेज प्रेशर है कि मुझे अपना हाथ पीछे करना पड़ रहा है, लाइक मैं AK-47 पूरी चला रहा हूँ। देखो ऐसे ये पतली धार के लिए ऐसे हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा और आप इसे ऐसे टर्न करोगे तो ऐसे पूरा खुल जाएगा। तो पहले हम ऐसे करते हैं और यहाँ से अपनी फायर करते हैं। ये यहाँ की डस्ट नहीं जाती है, तो यहाँ की डस्ट क्या जाएगी, आपने बिल्कुल इसका शार्प ब्लेड कर देना है। और ये देखो, ये मतलब इतना प्रेशर में है कि अगर मैं इस पर डायरेक्ट भी और तेज मारूँ ना तो ये निकल जाएगा पूरा, इतना हाई प्रेशर आ रहा है। अगर मैंने बहुत तेज़ी से मार दिया तो हो सकता है कुछ निकल भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा आराम से करना है। पूरी तरीके से यहाँ पे देखो साफ हो गया पूरा। ये मशीन गन पूरी गाड़ी में छेद कर देगी अगर आपने पूरे प्रेशर से मार दिया ना एक बार भर के। मजा बहुत आ रहा है इसे पूरी गाड़ी वॉश करने में। अभी हमने पूरा गाड़ी पे पानी मार लिया है अच्छी तरीके से, डस्ट निकल चुकी है, लेकिन ये तब तक नहीं जाएगी जब तक इसे पूरा प्रॉपर वॉश नहीं किया जाए इसकी मदद से। अगर आप 10 ml यूज कर रहे हो तो 90 ml आप इसमें पूरा पानी यूज करो। इतना हमने कर लिया, अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। अगर बकेट में थोड़ा बहुत डस्ट भी है ना तो फिल्टर अंदर नहीं आने दे रहा। गन के आगे ये पूरा अटैच कर देंगे, जस्ट सिंपली ऐसे करना है और यहाँ से इसे ऐसे अटैच कर देना, रेस कर दें ऊपर की तरफ ऐसे, ये दबा के ये पॉइंट आप इसे ऐसे ऊपर रेस करें तभी आपका फॉर्म आएगा, अदरवाइज सिर्फ पानी पानी निकलेगा, फॉर्म नहीं निकलेगा। तो हो गया अपना पूरा, अब बारी है गाड़ी को क्लीन करने की। रिजल्ट निकल कर आएगा वो ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन मजा आ रहा है गाड़ी धोने पहली बार। तो ये है हमारी कॉपर मोटर का कमाल। तो जैसे ही मैं गन पॉइंट करता हूँ ये आप यहाँ देखो प्रेशर, ये कितने बार्स का प्रेशर है। ये किस तरीके का, अगर मैं इसे एक पॉइंट कर दूंगा ये देखो छेद हो गया पूरा यहाँ पे, शाइन निकल के आई है गाड़ी पे। वाव, एक भी जगह धूल नहीं दिख रही, गजब का यार इसका प्रेशर तो, अल्टीमेट मजा आ गया मुझे। और अगर आप भी मंगाना चाहते हो ये प्रोडक्ट तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये हाई कार प्रेशर वॉशर लेने जाते हो आफ्टर मार्केट या ऑनलाइन आप परचेज करते हो तो ये बहुत महंगा परचेज होता है, 5000 से अबव ही आता है, लेकिन ये 5000 से नीचे ही है, तो आप नीचे जाके जरूर चेकआउट करें। इस प्रोडक्ट की खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाएगा। एग्रो काफ़ी सारे प्रोडक्ट लेकर आती है मार्केट में, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लस कार एक्सेसरीज के उसके सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप चाहो तो और भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी वैक्यूम क्लीनर पे एग्रो के ही, तो वो भी बहुत बेस्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि यार
सेम कंपनी का क्यों ना एक दूसरा प्रोडक्ट मंगाया जाए। इससे एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है प्लस कार वॉशर है तो आपको बाहर स्पेंड करने की जरूरत नहीं, आप घर में ही बिल्कुल आसान से साफ कर सकते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।